हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्तों अच्छे ही होंगे। दोस्तों, गणपत का टीज़र आ गया है दोस्तों, और देखते हैं ये टीज़र कैसा होने वाला है, और देखते हैं दोस्तों इसमें क्या निकल के आता है। अभी तक जो टीज़र आए हैं, टाइगर 3 एनिमल अब आ रहा है भैया इसका, गणपत का, तो देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ट्रेलर आ रहे हैं आजकल। इस मूवी में दोस्तों हमें टाइगर श्रॉफ देखने को मिलेंगे, इसके साथ ही इसमें कृति सेनन और अमिताभ बच्चन का भी एक बड़ा रोल होने वाला है। मूवी का दोस्तों डायरेक्शन विकास बहल ने किया है। विकास बहल ने इससे पहले क्वीन और सुपर 30 जैसी मूवीज़ बनाई हैं, तो दोस्तों डायरेक्टर तो बहुत ही अच्छे हैं। बागी 3 और हीरोपंती 2 के बाद टाइगर श्रॉफ इस मूवी में अपन को देखने वाले हैं। देखते हैं दोस्तों क्या कमाल होने वाला है, और बिना देरी के इस ट्रेलर रिएक्शन को शुरू करते हैं। अरे स्टार्टिंग एडी विदाउट होप। बच्चन जब अपनों पर बात आती है तब अपन की हट जाती है। तो ये था दोस्तों गणपत का ट्रेलर, भाई शुरू हुआ और तुरंत ख़त्म हो गया। पर हाँ, ये है कि इसमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिली तो हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, ट्रेलर लग भी रहा है। शुरुआत काफ़ी अच्छी करी थी दोस्तों इन्होंने। बीच में जो ये एकदम से ही जो रोबोटिक्स टाइप चीज़ें ले आए, तो उसमें जो CGI वगैरह था वो थोड़ा सा मेरे को ऑफ लगा, और बाकी तो सीक्वेंस तो अच्छा था। उसका जो थीम था, जो एक्टर वगैरह पे जब फोकस था तो वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। पर जैसे ही वो CGI और उस पर जा रहे थे, तो वहाँ थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा था। पर यार ये भी मानना पड़ेगा कि टाइगर श्रॉफ की जो पहले की मूवीज़ हैं वो भी कुछ ऐसी ही रही हैं, पर फैंस को वो पसंद आती हैं यार दोस्तों। और एक तरीके से देखा जाए तो दोस्तों वो उनका स्टाइल बन गया है कि CGI थोड़ा ऊपर नीचे चल जाएगा, जो टाइगर श्रॉफ है वो मूवी को निकाल के ले ही जाते हैं। और जो उनका एक्शन है और जो उनका रियल एक्शन जो वो करते हैं, जिस तरीके से वो मतलब कि कराटे और जिस तरीके से एक्शन सीक्वेंस वो करते हैं, वो फैंस को बहुत पसंद आता है। तो फैंस पसंद कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा चल जाएगा अगर आप अच्छा एक्शन दे रहे हो। और जो फील था यार ओवरऑल देखा जाए तो यार फील तो मूवी का अच्छा लगा मेरे को। शुरुआत उन्होंने बहुत ही धांसू करी थी, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने शुरुआत करी। शांत अपना हीरो बैठा है, बिल्कुल बिल्कुल ही शांत बैठा है, और फिर पीछे से एक टीम पीछे से उसके आती है और उससे फाइट करने के लिए तैयारी करती है। तो वो काफ़ी औसम लगा, वो सीन काफ़ी अच्छा। बच्चन के बारे में उनका लुक यार काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी डिफरेंट लग रहे हैं वो, और काफ़ी डिफरेंट उनकी अपील है इस मूवी के अंदर। तो मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, अच्छी होने वाली है, और धुआंधार एक्शन मिलने वाला है भाई। क्लियर कट उन्होंने बोल दिया है कि भैया कोई मर्सी नहीं है। और काफ़ी शुरुआत में जो दिखाते भी हैं कि कुछ अन्न वगैरह अनाज वगैरह के लिए लोग लड़ रहे हैं, तो कोई ना टॉर्चर टाइप हो रहा है, तो अपना हीरो आएगा, तो वही स्टोरी तो मुझे वही लग रही है कि वही स्टोरी होने वाली है। तो दोस्तों फुल मूवी रहेगी टाइगर श्रॉफ के टशन के ऊपर और उनके एक्शन सीक्वेंस के ऊपर। गणपत का ट्रेलर आपको कैसा लगा, और मेरा ये ट्रेलर रिएक्शन दोस्तों आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बिल्कुल दबाना भूलना नहीं है। मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं दोस्तों आपके लिए ऐसे ही मूवी रिव्यू मूवी रिएक्शन के वीडियो लाता रहूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।